हेलो एवरीवन, आई एम योर बिजनेस स्टडीज मेंटोर, वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन आवर प्लेटफॉर्म जिसका नाम है इजली, और दिस इज उदय 2.0 जहां पे आप बिजनेस स्टडीज की क्लास ले रहे हैं। और इसमें आज हम पढ़ाने वाले हैं द सेकेंड चैप्टर ऑफ द बिजनेस स्टडीज जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें कौन से टॉपिक आज हम कवर करेंगे, तो आज हम बच्चों पढ़ेंगे अबाउट द कंपनी, यानी कंपनी क्या होती है, कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं, एज वेल एज मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ये सारी ही चीजें आज हम कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मीनिंग ऑफ कंपनी से। तो अगर मैं बात करूं कंपनी के मीनिंग से, तो यहां पे जो पिक्चर दिख रही है आपको लग रहा होगा कि ये एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर होते हैं बहुत सारे खतरनाक लोग, बट ऐसा नहीं है। कंपनी क्या है, कंपनी इज ए वॉलंटरी फॉर्म्स ऑफ एसोसिएशन, यानी ये होती है एक लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि इस क्लास में आपने ऑलरेडी बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी है जिसके अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। तो आज हम बात करेंगे कंपनी की, एक कंपनी क्या होती है। तो अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी को हम जॉइंट स्टॉक कंपनी भी बोल सकते हैं, और इट इज द लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जहां पे इज ए वॉलंटरी, यहां पे क्या है, एक वॉलंटरी एसोसिएशन है इंडिविजुअल्स की फॉर प्रॉफिट, यानी कोई भी कंपनी जो एस्टैब्लिश होती है वो एस्टैब्लिश होती है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। अब यहां पे क्या है कि जितने भी मेंबर्स हैं जो हमारे साथ जुड़ेंगे, दे विल बिकम, वो क्या बनेंगे, वो हमारी कंपनी के बन जाएंगे शेयर होल्डर। यानी ये वॉलंटरी एसोसिएशन है जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करके क्या बन सकते हैं, उस कंपनी के शेयर होल्डर बन सकते हैं। यानी उस कंपनी में जितना भी आप कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे उतने के ही आप क्या बन जाएंगे, उतने के ही आप उसके ओनरशिप हासिल कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। और वो ओनरशिप कैसे मिलेगी, वो ओनरशिप मिलेगी बच्चों शेयर्स को सब्सक्राइब करके उस कंपनी के। तो कंपनी के अंदर हम शेयर्स को सब्सक्राइब करते हैं, यानी कैसे करती है वो कंपनी, इसके पास होता है शेयर कैपिटल। यानी मान लिए कैपिटल है कंपनी का 10 लाख रुपए, एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, 10 लाख रुपए कंपनी का कैपिटल है। अब ये कैपिटल कंपनी क्या करेगी, डिवाइड करेगी अपने इस कैपिटल को स्मॉल डिनोमिनेशन में, जिसको हम जानते हैं शेयर्स के नाम से, यानी इसको हम बोलते हैं शेयर्स। नाउ दिस शेयर इज इनवाइटेड और ऑफर्ड टू द पब्लिक, ये हमारी पब्लिक को ऑफर किए जाएंगे, और जो पब्लिक इसके शेयर्स खरीदेगी तो वो हमारे कैपिटल में कंट्रीब्यूट करेगी, यानी कंपनी के कैपिटल में कंट्रीब्यूट करेगी, और वो कंपनी के लिए क्या बन जाएंगे, मेंबर बन जाएंगे, और उस मेंबर को हम बोलते हैं बच्चों शेयर होल्डर। यानी इसके अंदर आप कैपिटल को डिवाइड कर देते हैं और इसके शेयर्स जो होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं, यानी शेयर्स भी आपके अगर पास हैं कंपनी के, और अगर आपको कैश की रिक्वायरमेंट है तो वो कैश में भी कन्वर्ट हो जाएंगे व्हेन यू विल सेल द शेयर्स इनटू द स्टॉक मार्केट, जब आप बेच देंगे तो वो शेयर से आप कैश भी ले सकते हैं। तो ओनर भी बने रह सकते हैं और उसके इजिली ट्रांसफर भी बोल सकते हैं। यानी कंपनी ओवरऑल क्या है, एक वॉलंटरी एसोसिएशन है जो प्रॉफिट के लिए एस्टैब्लिश होती है, उसका कैपिटल होता है जो कि इनवाइट किया जाता है जनरल पब्लिक को, और जनरल पब्लिक उसके शेयर खरीद के कंपनी में इन्वेस्ट करती है, उतने ही के ही वो क्या बन जाते हैं, उसके मेंबर बन जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंपनी। अब हम बात करते हैं अनदर टॉपिक ऑफ दिस क्लास, दैट इज नोन एज फीचर्स ऑफ कंपनी। क्योंकि जब आप फीचर्स पढ़ेंगे तो आप अच्छे से जान पाएंगे सब कुछ अबाउट द कंपनी। तो अब फीचर्स कौन कौन से हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, व्हाट आर द वेरियस फीचर्स ऑफ द कंपनी। अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो दीज आर द वेरियस फीचर्स ऑफ द कंपनी। पहला है आपका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, सेकंड वन इज आर्टिफिशियल पर्सन, द नेक्स्ट वन इज रजिस्ट्रेशन, फोर्थ वन इज परपेचुअल एग्जिस्टेंस, द नेक्स्ट वन इज कॉमन सील, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, एंड लास्टली लिमिटेड लायबिलिटी। तो दीज आर द वेरियस फीचर्स। अब हम इस फीचर्स को जब बच्चों पढ़ेंगे तो आप सब कुछ जान पाएंगे कंपनी के बारे में। तो अगर मैं सबसे पहले फीचर्स की बात करूं तो उसका नाम है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। कंपनी का एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है, मींस जो कंपनी होती है, मान लीजिए कोई कंपनी है एक्स वाई जेड कंपनी है और उसके जो मेंबर्स हैं, जस्ट वेट,
उसके जितने भी मेंबर्स हैं उनसे वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, उनसे वो डिस्टिंक्ट होगी, ठीक है। द मेंबर एंड द कंपनी बोथ आर डिस्टिंक्ट टू ईच अदर, यानी ये अलग चीज है और इसके मेंबर अलग चीज है। यानी कंपनी अपने नाम से कोई भी प्रॉपर्टी बेच सकती है या उसको खरीद सकती है, या कंपनी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है, बिकॉज इट हैज सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। यानी एक्स वाई जेड कंपनी है तो उसको जरूरत नहीं है कि मेंबर के नाम पे वो प्रॉपर्टी खरीदे, वो अपने आप में क्या है, एक बॉडी है। तो अपने आप में जब बॉडी है तो वो कोई भी बिजनेस को रन जो करेगी वो कंपनी के नाम पर रन करेगी, एज वेल एज कोई भी एसेट परचेज करना है या एसेट को सेल करना है तो वो भी होगा कंपनी के नाम पे। इसके अलावा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना है तो अगेन वहां पे मेंबर की जरूरत नहीं है, अगेन वहां पे कंपनी एज ए सेपरेट बॉडी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है। तो इसको बोलते हैं हम सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, यानी मेंबर एंड द कंपनी बोथ आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, और कंपनी का एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है, यानी कंपनी अपने आप पे रजिस्टर्ड हुई है एक्स वाई जेड के नाम से। तो एक्स वाई जेड अपने आप में एक एग्जिस्टेंस है, एक लीगल एग्जिस्टेंस है, उसका एक लीगल वजूद है, एक कानूनी वजूद है। यानी ये लीगल एग्जिस्टेंस की वजह से कंपनी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में क्या कर सकती है, एंटर कर सकती है, एज वेल एज कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकती है, ठीक है। ये पॉइंट आ गया समझ में। अब हम बात करते हैं सेकंड वन, वो है बच्चों आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इट मींस कंपनी इज नॉट लाइक फिजिकल ह्यूमन बीइंग, यानी एक ह्यूमन बीइंग की तरह काम नहीं कर सकती। यानी वो क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जैसे कि हमारा एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। बट द कंपनी डज नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, वो क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, यानी उसका वजूद तो है बट वो क्या है, सिर्फ आर्टिफिशियल है। यानी आर्टिफिशियल का मतलब है कि वो रजिस्ट्रेशन के बाद वजूद में आई है, तो उसका क्या है, एक अपना ही एग्जिस्टेंस है, बट इट इज आर्टिफिशियल, ठीक है। ये हो गया आर्टिफिशियल। इसके बाद हम बात करते हैं, तो आर्टिफिशियल के बारे में बात करें तो यहां पे क्या है, अब ये कंपनी आर्टिफिशियल है तो इसमें क्या करा जाता है, इसमें जितने भी मेंबर्स होंगे कंपनी के नोन एज शेयर होल्डर, वो एक इलेक्टेड मेंबर्स यानी जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टर, वो डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं और वही कंपनी को क्या करते हैं, रन करते हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑपरेशन होता है, जो इसका मैनेजमेंट होता है, वो होता है इन द हैंड ऑफ द डायरेक्टर विच इज इलेक्टेड बाय इट्स शेयर होल्डर। यानी कंपनी काम तो करेगी आर्टिफिशियल के तौर पर, लेकिन उसको चलाने वाले कौन होंगे, वो होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कि उसके शेयर होल्डर क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करें द नेक्स्ट फीचर्स ऑफ द कंपनी इज रजिस्ट्रेशन। तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, सो इट इज कंपलसरी फॉर ए कंपनी टू गेट रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2013। यानी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना बहुत कंपलसरी है, यानी इसके लिए मैंडेटरी है कि कंपनी अपने आप को रजिस्टर्ड करे अंडर द कंपनी एक्ट 2013 और द एक्ट बिफोर द कंपनी एक्ट 2013 में, क्योंकि ये अमेंडमेंट हुआ था, इससे पहले बोलते थे बच्चों कंपनी एक्ट 1956। तो कंपनी एक्ट 2013 या उससे पहले वाले एक्ट में अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो वो आपकी कंपनी कहलाएगी। इसलिए रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी इज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है। विदाउट रजिस्ट्रेशन यू कैन नॉट परफॉर्म एनी एक्टिविटी एज ए कंपनी। कंपनी के तौर पर अगर आपको रजिस्टर्ड होना है तो आपको कंपनी के तौर पर अगर आपको चलानी है एक्टिविटी तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन किसमें करेंगे हम, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट है बच्चों परपेचुअल सक्सेशन और परपेचुअल एग्जिस्टेंस। व्हाट इज परपेचुअल एग्जिस्टेंस, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। परपेचुअल एग्जिस्टेंस मींस द सर्वाइवल ऑफ द कंपनी इज नॉट बीन अफेक्टेड बाय द डेथ
और इंसॉल्वेंसी और इनकैपेसिटी ऑफ इट्स मेंबर। क्योंकि आपको पता है एक कंपनी के अंदर बहुत सारे मेंबर होते हैं जिनको हम बोलते हैं शेयर होल्डर, और ये शेयर होल्डर ही बच्चों कौन होते हैं, ये ही कंपनी के ओनर भी होते हैं। अब ये कंपनी के ओनर हैं, शेयर होल्डर हैं, मान लो किसी के पास 10 लाख, मैंने जैसे एग्जाम्पल ली थी, उसमें से किसी के पास बहुत ज्यादा शेयर हैं कंपनी के, और उसकी हो जाती है डेथ, उसकी हो जाती है डेथ, यानी ओनर की डेथ हो गई, तो क्या कंपनी बंद हो जाएगी? तो ऐसा नहीं होगा, एज इन केस happen in partnership as well as sole proprietorship. Sole proprietorship और partnership में ये होता था कि उनके partner मर गया या sole proprietor मर गया तो वो क्या हो जाते थे, वो forms of business बंद हो जाते थे, but not in case of company. Company में अगर कोई shareholder या कोई भी उसका member की death हो जाती है, insolvency हो जाती है, unsound हो जाता है, तो उस case में company के survival पे कोई भी effect नहीं पड़ेगा, company remain continue, company का जो टाइम पीरियड होगा वो इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए रन करती चली जाएगी। क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, देयर आर मेनी कंपनीज व्हिच हैज बीन एस्टैब्लिश्ड सिंस, मतलब बहुत टाइम पहले वो एस्टैब्लिश हुई थी, जैसे कोक की बात कर लें, कोको कोला कंपनी की बात कर लें, पेप्सी की बात कर लें, तो ये कंपनी क्या है, बहुत पहले रजिस्टर्ड हुई है, लेकिन बहुत से लोग इसके साथ जुड़े, बहुत से लाख चले गए, बहुत सौ की डेथ भी हो गई होगी, लेकिन कंपनी स्टिल इज गोइंग ऑन, अभी भी चल रही है। तो वही फीचर्स कहलाता है बच्चों परपेचुअल सक्सेशन और परपेचुअल एग्जिस्टेंस, यानी कंपनी के सर्वाइवल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसकी डेथ हो रही है, उससे कंपनी को कोई मतलब नहीं है, कंपनी का नाम रहेगा और कंपनी क्या है, अपने बिजनेस चलाती रहेगी। ठीक है, इसके बाद है बच्चों कॉमन सील। कॉमन सील इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एज वी नो कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, और जब वो आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो कोई काम तो नहीं कर सकती, तो इसलिए जरूरी होता है कंपनी के लिए कॉमन सील का होना। यानी कॉमन सील क्या है, कॉमन सील इज ए काइंड ऑफ सील विच रिप्रेजेंट द सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, यानी वो कंपनी के सिग्नेचर के तौर पे काम करती है, क्योंकि कंपनी को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना पड़ता है। व्हेन द कंपनी एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद समबडी, किसी भी टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होगी तो उसके लिए सिग्नेचर चाहिए होंगे, और सिग्नेचर कंपनी भैया कोई आर्टिफिशियल पर्सन है, कोई ह्यूमन बींग तो है नहीं, कोई लिविंग पर्सन तो है नहीं, आएगी और साइन कर देगी, तो वहां पे बच्चों यूज होती है कॉमन सील। यानी कंपनी क्या करती है, अपनी कॉमन सील रखती है जो उनके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे लगाना जरूरी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद है बच्चों ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। कंपनी के जो शेयर्स होते हैं दे आर इजिली ट्रांसफरेबल, यानी वो शेयर्स जो होते हैं कंपनी के वो इजिली ट्रांसफरेबल हो सकते हैं, लेकिन इट डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी प्राइवेट है तो इन दैट केस देयर इज नो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स, बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, अगर मैं बात करूं जनरल एक पब्लिक कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी के केस में बच्चों इसके शेयर्स को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। यानी अगर आज मेरे पास शेयर्स हैं और इफ आई नीड कैश, मेरे को कैश चाहिए अब उस शेयर के बदले में, क्योंकि वो मेरे पास डॉक्यूमेंट है, तो मैं इजीली वो किसी को सेल कर सकता हूं और उससे अपना कैश कन्वर्ट करा सकता हूं। तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर इज वेरी इजी इन केस ऑफ ओनली पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। ठीक है, इसके बाद है बच्चों आपका सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। एज वी नो कंपनी के जो ओनर होते हैं वो होते हैं शेयर होल्डर। कौन होते हैं बच्चों, शेयर होल्डर होते हैं ओनर। अब ये शेयर होल्डर जो होते हैं और इसको जो चलाने वाले होते हैं, जो कि हम बोलते हैं मैनेजमेंट, ठीक है, वो दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, यानी ओनरशिप तो शेयर होल्डर की होती है, बट द कंट्रोल ऑफ द कंपनी इज इन द हैंड ऑफ मैनेजमेंट। कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है, जो कंट्रोल होता है, वो किसके हाथ में होता है, वो मैनेजमेंट के हाथ में होता है, डायरेक्टर के हाथ में होता है। तो यहां पर शेयर होल्डर एंड मैनेजमेंट दोनों अलग हैं। शेयर होल्डर ऑल्दो ओनर
है कंपनी के, बट उसको चलाएगा कौन, कंपनी को कंट्रोल कौन करेगा, मैनेजमेंट करेगा या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता हुआ नजर आता है। इसके बाद है बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स जिसको हम जानते हैं लिमिटेड लायबिलिटी से। तो इन केस ऑफ कंपनी द लायबिलिटी ऑफ देयर मेंबर्स इज लिमिटेड। मेंबर्स कौन, जो उसके शेयर होल्डर हैं, यानी जो शेयर होल्डर हैं कंपनी के, उनकी जो लायबिलिटी होती है बच्चों वो क्या होती है, वो लिमिटेड होती है, लिमिटेड होती है अप टू द एक्सटेंट ऑफ द शेयर सब्सक्राइब बाय देम। जितने उन्होंने शेयर्स खरीद रखे हैं या जितने का उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, सिर्फ उतने का ही उन्हें उधार अपना डेट में पार्टिसिपेट करना होगा व्हेन द कंपनी इज गोइंग टू वाइंड अप और द शट डाउन। यानी अगर कंपनी बंद होने की बात आ रही है तो भैया मैंने अगर 10,000 के शेयर ले रखे हैं तो मैं सिर्फ 10,000 रुपए के डेट में ही पार्टिसिपेट करूंगा, यानी उधार पे करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं ओनर हूं, 10,000 के ही शेयर ले रखे हैं बट कंपनी मेरे ऊपर सारा उधार डाल दे, ऐसा नहीं होता कंपनी में, जैसे कि हमारे पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है। आपने कितना भी इन्वेस्ट कर रखा है उससे मतलब नहीं है, अगर पार्टनरशिप डूबेगी या सोल प्रोप्राइटरशिप डूबेगी तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट से ज्यादा भी पेमेंट करना पड़ सकता है या डेट को पूरा करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। तो दीज आर दी वेरियस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स इन केस ऑफ ए कंपनी। आई एम श्योर कि ये सारे फीचर्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं कौन सा नेक्स्ट टॉपिक है। तो द नेक्स्ट टॉपिक इन टूडेज क्लास इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, वो है बच्चों मेरिट्स ऑफ ए कंपनी, यानी मेरिट्स और वी कैन से एडवांटेज ऑफ ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। कंपनी बोले या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, बोथ आर दी सेम। तो अगर हम मेरिट्स की बात करें तो चलिए देख लेते हैं व्हाट आर दी मेरिट्स ऑफ दी कंपनी या एडवांटेज ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो व्हाट आर दी मेरिट्स एंड एडवांटेज। तो मेरिट्स में फर्स्ट आती है बच्चों लिमिटेड लायबिलिटी, सेकंड वन इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, थर्ड वन इज परपेचुअल एग्जिस्टेंस, फोर्थ वन इज ग्रोथ एक्सपेंशन, फिफ्थ वन इज एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड लास्ट वन इज लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो दीज आर दी वेरियस इंपॉर्टेंस सॉरी एडवांटेज और दी मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो चलिए इसको डिटेल में जान लेते हैं। अगर मैं पहले की बात करूं लिमिटेड लायबिलिटी, द लायबिलिटी ऑफ its member in case of the company is limited to the share subscribed by them, यानी जितने भी share subscribe करे हैं, shares subscribed by them, यानी मान लिया अगर किसी शेयर होल्डर ने यानी कोई एक्स पर्सन ने 10,000 रुपए के शेयर्स खरीद रखे या 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है और 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट में उसने खरीदे, मान ली एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए है तो उसने खरीदे मान ली 100 शेयर्स, ठीक है, 100 शेयर्स उन्होंने अगर बाय कर रखे तो इनकेस अगर कंपनी के ऊपर उधार चढ़ जाता है तो वो मेंबर को कितना पे करना पड़ेगा, तो उसको सिर्फ पे करना पड़ेगा जितना उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, डेट इज 10,000 रुपीज। यानी उसने 100 शेयर खरीद रखे ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 100 तो वो हो जाता है 10,000। तो ऐसा नहीं होता कंपनी में कि आपने इन्वेस्टमेंट 10,000 का कर रखा है बट उधार आपको अपने इन्वेस्टमेंट से ज्यादा भी करना पड़ जाए। वो फीचर्स होते हैं बच्चों सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप के, नॉट इन केस ऑफ कंपनी। तो कंपनी में आप जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही आपको भरना पड़ेगा, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी लिमिटेड लायबिलिटी मींस द लायबिलिटी व्हिच नीड टू बी पेड बाय द मेंबर इज अप टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय इट्स मेंबर, यानी वो उतनी ही होगी जितना उन्होंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रखा है उस कंपनी के अंदर, ठीक है। तो वेरी सिंपल है लिमिटेड लायबिलिटी, हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट फीचर्स की। तो बिफोर दैट आई वांट टू इट क्लियर, मैंने यहां इसको क्लियर कर दिया और पेन सेलेक्ट कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड फीचर्स की। तो सेकंड फीचर्स क्या है बच्चों, सेकंड फीचर इज जस्ट वेट आई नीड टू सेलेक्ट द पेन वंस अगेन, ठीक है, ये मैंने पेन सेलेक्ट कर लिया। हाँ, तो अब यहां पे आता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज व्हाट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट मींस बच्चों जस्ट वेट, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट मींस कि कंपनी के जो
इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट किसके पास होता है? शेयर होल्डर के पास। और अब वो ये चाहते हैं शेयर होल्डर के मैं अपने जो शेयर्स हैं उसको ट्रांसफर कर दूं किसी दूसरे पर्सन को, तो यहां पे ऐसा पॉसिबल हो जाता है। यानी अगर आप चाहते हैं कि मेरी जो होल्डिंग है, मान लीजिए एक्स बंदा है, इसकी जो होल्डिंग है कंपनी में, होल्डिंग मतलब उसके पास है 50% शेयर्स, 50% शेयर्स हैं, और ये चाहता है कि मैं अपनी होल्डिंग क्लियर करना चाहता हूं, खत्म करना चाहता हूं इस कंपनी से, तो इस केस में वो किसी भी पर्सन को, मान लेते हैं वाई है, तो वो अपने शेयर्स को क्या कर सकता है? सेल कर सकता है, अपने शेयर्स को सेल कर देगा, तो उसकी ये होल्डिंग है वो क्या हो जाएगी? वाई के पास चली जाएगी, वाई के पास चली जाएगी, तो वाई उस केस में क्या बन जाएगा? मेंबर बन जाएगा। तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज पॉसिबल इन केस ऑफ कंपनी, नॉट लाइक किस में, जैसे कि आपने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप में, सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। बट इन केस अगर हम कंपनी की बात करें तो बेटा कंपनी के अंदर आप अपनी होल्डिंग को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, मींस अपने शेयर्स को इजीली ट्रांसफर करके अपने इंटरेस्ट को क्या कर सकते हैं? दूसरे को दे सकते हैं, यानी अपनी होल्डिंग को बेच सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एडवांटेज की, और नेक्स्ट एडवांटेज है बच्चों, जस्ट वेट, यस, नेक्स्ट एडवांटेज है और मेरिट्स है, उसका नाम है परपेचुअल सक्सेशन और एग्जिस्टेंस। व्हाट इज परपेचुअल सक्सेशन और एग्जिस्टेंस? द सर्वाइवल ऑफ द कंपनी इज नॉट बीन अफेक्टेड बाय एनी काइंड ऑफ इट्स मेंबर, यानी मेंबर की डेथ, उनकी इंसॉल्वेंसी, उनके अनसाउंड माइंड की वजह से कंपनी के सर्वाइवल पे कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे कि हमारा पार्टनरशिप में और सोल प्रोप्राइटरशिप में वो बंद हो जाते थे अगर उनके मेंबर की या सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती थी, बट नॉट इन केस ऑफ कंपनी। कंपनी का एग्जिस्टेंस लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक रहेगा, उसकी श्योरिटी देता है वो परपेचुअल एग्जिस्टेंस, यानी लोग आएंगे कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे, कंपनी चलती रहेगी। उनकी डेथ हो जाती है या वो हमारे साथ से चले जाते हैं कंपनी के पास से ड्यू टू एनी रीजन, बट कंपनी का जो सर्वाइवल है, जो कॉन्टिन्यूटी है, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, कंपनी क्या है बच्चों, चलती चली जाएगी। जैसे कि दुनिया में भी होता है, जो एक दुनिया की रीत है ना, लोग आते हैं इस दुनिया में, फिर बच्चे पैदा होते हैं, वो बड़े होते हैं, सारे फेसेस ऑफ द लाइफ देखते हैं, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है, चले जाते हैं इस दुनिया से। लेकिन दुनिया क्या है? दुनिया तो वैसी चल रही है, आज भी सूरज निकल रहा है, आज भी वैसी चांद चमक रहा है, आज भी वैसी हवा चल रही है, आज वैसी ही नदियां भी अपना पानी बहा रही है, तो कोई कमी आई? कोई कमी नहीं आई। तो यहां पर भी बच्चों कंपनी में भी यही फॉर्मूला अप्लाई होता है। इसके साथ मेंबर जुड़ते हैं, आते हैं, काम करते हैं, रिटायरमेंट लेते हैं, डेथ हो जाती है, चले जाते हैं, बट कंपनी के सर्वाइवल पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट फीचर्स, वो है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। सो इन केस ऑफ कंपनी देयर इज ग्रेटर स्कोप ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, यानी ग्रोथ एंड एक्सपेंशन का स्कोप सबसे ज्यादा होता है इन एनी अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हम सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या कोऑपरेटिव सोसाइटी की अगर बात करें तो वहां ग्रोथ एंड एक्सपेंशन का स्कोप कम होता था। क्यों कम होता था? बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। बट इन केस ऑफ कंपनी, क्योंकि यहां पे बच्चों होता है ह्यूज कैपिटल, बहुत कैपिटल होता है, करोड़ों रुपए आप क्या है पब्लिक से रेज कर सकते हैं इन द नेम ऑफ शेयर्स, शेयर को बेचकर अपने, तो जब यहां पे ह्यूज कैपिटल होता है तो बच्चों यहां पे क्या होता है, हाई रेट ऑफ प्रॉफिट भी होता है, यानी हाई रेट ऑफ प्रॉफिट भी होता है, और इस प्रॉफिट की वजह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्लान को अडॉप्ट कर सकते हैं। यानी कोई भी अगर आपको चाहिए कि मुझे न्यू ब्रांच खोलनी है तो यू कैन ओपन, आपको चाहिए कि मेरे को न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो आप अपने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों पैसे की कमी तो है ही नहीं, तो जब पैसों की कमी नहीं है तो आप क्या है ईजिली कोई भी स्टेप ले सकते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस।
बिजनेस, ठीक है। इसके बाद है बच्चों इफिशियंट मैनेजमेंट। इफिशियंट मैनेजमेंट क्योंकि आपको पता है एक शिप को चलाने के लिए एक कैप्टन की रिक्वायरमेंट होती है, और जितना ही उस शिप का कैप्टन माहिर होगा उतने ही वो डूबते हुए जहाज को समंदर के चारों तरफ चला के दिखा देगा, होगा नहीं होगा। तो ऐसे ही यहां पे भी कंपनी के केस में भी कंपनी को चलाने के लिए हमें चाहिए होता है इफिशिएंट मैनेजमेंट, और वो मैनेजमेंट हम हायर कर सकते हैं इन केस ऑफ कंपनी के केस में हायर कर सकते हैं बाय पेइंग हाई अमाउंट, यानी उनको हाई सैलरी देके हम कोई भी प्रोफेशनल एक्सपर्ट को ला सकते हैं और अपनी कंपनी उसके साथ शेयर कर सकते हैं, मतलब वो मैनेजमेंट देख सकता है और कंपनी को अच्छे से रन कर सकता है। यानी ड्यू टू एनी रीजन कंपनी के ऊपर अगर मतलब कंपनी अगर चाहती है कोई प्रोफेशनल को एक्सपर्ट को हायर करना अपने बिजनेस को रन कराने के लिए, तो वो उसके लिए उसको सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंपनी उस प्रोफेशनल को हायर कर सकती है बाय पेइंग हाई सैलरी और बहुत से अदर बेनिफिट। तो यहां पे हमें क्या है एक अच्छा मैनेजमेंट मिल जाता है कंपनी के केस में जो हमारी कंपनी को चलाता है। तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट क्या होता है, जब हम अच्छे पढ़े लिखे लोग लाएंगे अच्छी सैलरी पे लाएंगे तो बच्चों क्या होगा वो कंपनी को भी अच्छे से रन करेगा। जैसे कि मान लो अगर पैसा नहीं है एक छोटी कंपनी है तो वो ये एक क्या करेगा नॉर्मल सा है कोई एमबीए वाला जिसने ऐसी कॉलेज से पढ़ाई करी है तो उसे हायर कर लेगा और वो अपनी लिमिटेड कैपेबिलिटी से ही सिर्फ बिजनेस को चला पाएगा। लेकिन अगर आपकी बहुत बड़ी कंपनी है और आपने क्या है उसको बहुत ज्यादा सैलरी दे दी, जैसे कि गूगल ने किसको हायर कर रखा है हमारे इंडियन ओरिजिन के, ठीक है हायर कर रखा है, तो ऐसे ही जो कंपनीज होती हैं वो बड़े बड़े प्रोफेशनल एक्सपर्ट को हायर करती हैं सो डेट उनका जो मैनेजमेंट है वो इफिशियंट हो जाए और उस कंपनी का जो ऑपरेशन है वो अच्छे से रन कर सके, ठीक है। इसके बाद है बच्चों लास्ट लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल रेज कर सकती है बाई इशूइंग इट्स शेयर्स, यानी शेयर्स को इशू करके इशू ऑफ शेयर्स फॉर जनरल पब्लिक, यानी जनरल पब्लिक को आप क्या है कंपनी के केस में शेयर्स इशू कर सकते हैं और उससे आप बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल को रेज कर सकते हैं। बट इट इज ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ कंपनी, नॉट लाइक एनी अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि पार्टनरशिप तो पार्टनर ही कैपिटल लगा पाते थे वहां पे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में तो भैया जो फैमिली है वही कैपिटल लगा पाएगी। तो लेकिन कंपनी के केस में ये ओपन है, अगर आपको 100 करोड़ रुपए चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं 100 करोड़ रुपए के अपने शेयर्स को कैपिटल को डिवाइड करके वो शेयर जनरल पब्लिक में इशू कर सकते हैं और जनरल पब्लिक क्या है उसको खरीदेगी तो हमारे पास फंड रेज हो जाएगा। तो एनी लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन बी रेज बाय इशू ऑफ शेयर्स टू द जनरल पब्लिक इन केस ऑफ कंपनी। तो दीज आर द वेरियस एडवांटेज एंड द फीचर्स ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी, आई एम श्योर ये क्लियर हो गए होंगे। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के, और नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब कुछ अच्छाइयां होती हैं तो बच्चों कुछ बुराइयां भी होती हैं हर चीज में, ठीक है। तो आप डीमेरिट्स क्या हैं, तो डीमेरिट्स यू कैन सी हियर, द फर्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन, द नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ सीक्रेसी, इम्पर्सनल वर्क एनवायरमेंट, न्यूमरस रेगुलेशन, डिले इन डिसीशन मेकिंग, ओलर्गिक मैनेजमेंट एंड लास्टली कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट, ठीक है। तो these are the various demerits of the joint stock company। अगर मैं पहले की बात करें, सबसे पहली अगर मैं बात करें तो वो क्या है बच्चों, कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन। अब कंपनी फॉर्म होती है जैसे कि हमें पता है रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है अंडर द कंपनी एक्ट 2013। तो क्या ये रजिस्ट्रेशन इतना आसान है, तो आंसर विल बी नो। रजिस्ट्रेशन रिक्वायर लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज, लॉट ऑफ परमिशन नीड टू बी टेकन फ्रॉम वेरियस पर्सन, वेरियस डॉक्यूमेंट नीड टू बी सबमिटेड एंड ऑल सच प्रोसेस में बच्चों बहुत टाइम लगता है, यानी इस सारे प्रोसेस में लग जाता है काफी टाइम। क्या करना पड़ता है आपको, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज, लेंथी फॉर्मेलिटीज पूरी करना पड़ती है, ठीक है, फॉर्मेलिटीज, बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ते हैं, जैसे कि आपको पता ही है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं,
जस्ट वेट। तो डॉक्यूमेंट जो होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या है, बहुत सारी परमिशंस भी लेनी पड़ती हैं, बहुत सारी परमिशन लेना पड़ती है फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स, उसके बाद कोई कंपनी का क्या होता है रजिस्ट्रेशन हो पाता है। लेकिन इन सारे इंटायर प्रोसेस में काफी टाइम लगता है, इसलिए यहां पे होती है थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन, यानी फॉर्मेशन में काफी टाइम लगता है। जैसे कि अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस की बात कर लें, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में तो कंपलसरी ही नहीं होता, सोल प्रोप्राइटरशिप में तो रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं है, तो वहां पर ईजी फॉर्म हो जाता है। लेकिन जब हम कंपनी की करते हैं तो कंपनी में बच्चों मामला थोड़ा सा स्लो होता है, क्योंकि यहां पे बहुत सारी फॉर्मेलिटीज आपको फुलफिल करना पड़ेंगी, बहुत सारे लोगों के पास जाना पड़ेगा, स्पेशली मैं बात करूं स्टार ऑफ द कंपनी उसके पास जाना पड़ेगा, उसके बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेंगे, स्पेशली मैं बात करूं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो ये सब सारे जब काम करोगे तो उसमें टाइम तो लगेगा, तो इसी वजह से ये प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। इसके बाद है लैक ऑफ सीक्रेट, लैक ऑफ सीक्रेसी क्या है, बट बिफोर दैट आई नीड टू क्लियर हियर, यहां पे मैं इसको क्लियर कर देता हूं, ठीक है। यस, लैक ऑफ सीक्रेसी, लैक ऑफ सीक्रेसी मींस के सीक्रेसी की कमी होती है, कोई भी चीज ज्यादा सीक्रेट नहीं रह पाती इन केस ऑफ कंपनी, कैसे बट, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कंपनी के रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमें क्या किसके पास जाना पड़ता है, हमें जाना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बच्चों डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ते हैं। अब ये रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास जब हम डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, फिर ये पब्लिक हो जाते हैं और जनरल पब्लिक को भी इनको रीड कर लेती है, यानी जो हमारे डॉक्यूमेंट्स में लिखा है दे आर वेंट इनटू द पब्लिक डोमेन, पब्लिक डोमेन में चले गए तो पब्लिक ने भी उनको पढ़ लिया, तो आपकी जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी वो कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, शेयर हो जाती है पब्लिक के साथ, तो इसलिए यहां पर सीक्रेसी मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, यानी कोई भी सीक्रेट आप मेंटेन नहीं कर सकते व्हेन यू आर डूइंग द बिजनेस ऑफ ए कंपनी, यानी कोई भी कंपनी के फॉर्म का अगर आप बिजनेस खोलना चाह रहे हैं तो उसमें आपकी सीक्रेसी थोड़ी मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगी। इसके बाद है इंपर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, इंपर्सनल वर्क एनवायरनमेंट का क्या मतलब है बच्चों, एज वी नो हु इज द ओनर ऑफ द कंपनी, ओनर इज शेयर होल्डर, शेयर होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, बट कंपनी को रन कौन करता है, कंपनी को रन करता है इनके इलेक्टेड मैनेजर, इलेक्टेड मैनेजर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, मैनेजर ले लेते हैं, ठीक है। अब मैनेजर के लिए तो बच्चों सिर्फ वो क्या है, एक कंपनी है, यानी वो काम कर रहा है और उसको उसके पैसे मिल रहे हैं, तो यानी शेयर होल्डर अगर सेल्फ काम करते तो उनका अटैचमेंट एक कंपनी की ग्रोथ के लिए ज्यादा होता, बट नॉट फॉर द मैनेजर हु इज वर्किंग ऑन द बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के बिहाफ में कंपनी को चला रहा है, तो जब आप काम करते हैं तो बच्चों आप सोचते हैं कि मैं काम करूंगा और मेरे को अपनी सैलरी मिलेगी और कंपनी भी फिर और उनको ये भी डीमोटिवेशन रहता है कि भैया हमारी कंपनी के साथ इतनी ग्रोथ भी नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक इम्पर्सनल टच रहता है कंपनी के साथ, तो इम्पर्सनल एनवायरनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट डीमेरिट्स बन जाता है इन केस ऑफ कंपनी, यानी जो मैनेजर है वो सिर्फ अपने सिर्फ काम से मतलब रखते हैं, कंपनी की क्या ग्रोथ हो रही है क्या नहीं हो रही है उससे उन्हें कोई भी टेंशन नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट डीमेरिट्स इज न्यूमरस रेगुलेशन, क्योंकि आपको पता है कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2013 बट इट नीड टू फॉलो वेरियस रेगुलेशन, क्योंकि कंपनी बनाना जितना मुश्किल है इसके साथ एक दिक्कत और भी आ जाती है, वो होती है सारे रेगुलेशन को फॉलो करना, ठीक है। जैसे कि अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस की बात करें हम, पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप, तो वहां पे इतने सारे रेगुलेशन को आप जनरली फॉलो नहीं करते, बट कंपनी के केस में आपको बहुत सारे रेगुलेशन फॉलो करना पड़ सकते हैं। वो हो सकता है मान लो बच्चों वेजेस एक्ट है, ठीक है, अब वेजेस एक्ट में जो वेजेस मेंशन है आपको वो फॉलो करना पड़ेगी, अगर आपने किसी एम्प्लॉयज की वेजेस या वर्कर की वेजेस एज पर वेजेस एक्ट नहीं दी तो वो
क्या है, आपके साथ सरकार क्या कर सकती है, आपके खिलाफ क्या ले सकती है, एक्शन ले सकती है। इसी तरीके से आपको पॉल्यूशन एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा, पॉल्यूशन एक्ट ठीक है, एनवायरमेंट एक्ट, पॉल्यूशन एक्ट या एनवायरमेंट एक्ट। इसके अलावा आपको जो है फैक्ट्री एक्ट, जो भी फैक्ट्री की कंडीशंस होती हैं वो फैक्ट्री एक्ट में लिखी होती हैं, वो आपको क्या है फॉलो करना पड़ेगा। तो बहुत सारे रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट ए बिजनेस व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ कंपनी। जो कंपनी के फॉर्म में बिजनेस होते हैं उनको बहुत सारे रेगुलेशन को मेंटेन करना पड़ सकता है, फॉलो करना पड़ सकता है, तो इसलिए यहां पे कंपनी चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए इसको मैं यहां से रब कर देता हूं एंड नेक्स्ट सेलेक्ट द पेन, ठीक है। इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट डीमेरिट्स इज, जस्ट वेट, अगली डीमेरिट्स है बच्चों क्या, अगली डीमेरिट्स है डिले इन डिसीशंस, डिले इन डिसीशन। अब डिसीशन मेकिंग, तो डिसीशन मेकिंग इन कंपनी, इन केस ऑफ कंपनी इज लिटिल बिट डिले, थोड़ी सी डिले हो जाती है। डिले क्यों हो जाएगी, क्योंकि आपको क्या है कोई भी डिसीजन लेने के लिए सारे शेयर होल्डर के पास राइट होता है, यानी सारे शेयर होल्डर अपना वोट करते हैं, यानी कोई भी डिसीजन होगा विदाउट द कंसेंट और विदाउट द वोटिंग राइट ऑफ द शेयर होल्डर पास नहीं होता। तो उस प्रोसेस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस प्रोसेस में एक एनुअल जनरल मीटिंग बुलाना पड़ेगी। एनुअल जनरल मीटिंग में क्या है, सारे शेयर होल्डर अपना अपना वोटिंग राइट देंगे उस डिसीजन की फेवर में या उसके अगेंस्ट में। तो इस प्रोसेस में, इंटायर प्रोसेस में क्या हो रहा है बच्चों, डिले हो रहा है, टाइम जा रहा है, तो यहां पे डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी डिले हो जाती है, ठीक है। इसके बाद है ओलर्गिक मैनेजमेंट, क्योंकि आपको पता है, जस्ट वेट, ओलर्गिक मैनेजमेंट इसका क्या मतलब है बच्चों, इसका मतलब यह है कि आपको पता है कोई भी कंपनी का वैसे तो एक डेमोक्रेटिक सेटअप होता है, यानी हर जो मेंबर होते हैं यानी जो भी उसके शेयर होल्डर होते हैं उनके पास होता है एक वोटिंग राइट, बट ये जो डेमोक्रेटिक सेटअप है इट इज ओनली ऑन पेपर, ये सिर्फ क्या है बच्चों पेपर पे ही पॉसिबल होता है, यानी पेपर पे ही होता है, ठीक है। लेकिन इन रियलिटी जो कंपनी को चलाने वाले लोग होते हैं, यानी जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टर, डायरेक्टर, उनका ज्यादा कंट्रोल होता है कंपनी पे, उनका ज्यादा कंट्रोल होता है। तो ओलर्गिक मैनेजमेंट ये है कि जो शेयर होल्डर, हमें लगता है कि ओनर जो है कंपनी के शेयर होल्डर हैं और उन्हीं की बात को माना जाता है कंपनी में, बट ऑल सच थिंग, ऐसी चीजें नहीं होती इन केस ऑफ कंपनी, वो सिर्फ एक पेपर पे लिखी बातें, क्योंकि ज्यादातर जो डिसीजन लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द डायरेक्टर। अब डायरेक्टर जो डिसीजन लेते हैं बच्चों, वो जरूरी नहीं है जो आपके शेयर होल्डर हो उनके इंटरेस्ट में ले, वो क्या करते हैं जो भी डिसीजन होते हैं कंपनी के, वो सारे डिसीजन लेते हैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट की बेसिस पे। तो इस तरीके से जो दिखने वाला सोना होता है ना, चमकीली चीज, जरूरी नहीं है वो चमक उसके अंदर हो। तो यानी ओलर्गिक मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जो मैनेजमेंट होता है कंपनी का, वो कुछ सेलेक्टेड लोगों के पास होता है और वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, नॉट जस्ट लाइक जनरल इंटरेस्ट के बारे में बात करें, शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के बारे में बात करें, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द लास्ट डीमेरिट्स और लिमिटेशन ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी इज क्या है, कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। क्योंकि आपको पता है कंपनी के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। अब वो ग्रुप्स कौन से हो सकते हैं, वो बच्चे होते हैं शेयर होल्डर, ठीक है, इसके अलावा डिबेंचर होल्डर, इसके अलावा बच्चे होते हैं इसमें इंप्लॉयज, इसके अलावा होते हैं बच्चों डायरेक्टर। तो ये सारे क्या हैं, ग्रुप्स हैं। अब हर ग्रुप क्या होता है, अपने इंटरेस्ट के बारे में बात करता है, यानी ऐसे ही चीजों के बारे में बात करता है जिससे उसकी, उसका अपना पर्सनल बेनिफिट जुड़ा हो। अब हर ग्रुप जब आपस में अपने इंटरेस्ट के बारे में बात करेगा, शेयर होल्डर कहेगा भैया मेरे को डिविडेंड ज्यादा दो, इंप्लॉयज कहेगा मेरे को बोनस दो, मेरी हाई सैलरी कर दो, डिबेंचर होल्डर बात करेगा कि मेरे को तो दो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, डायरेक्टर कहेगा मेरी फीस बढ़ाओ, ऑल सच थिंग्स, ठीक है। तो
इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कंपनी में, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, यानी इंटरेस्ट हर जो ग्रुप्स हैं उनके आपस में क्लैशेस होने लगते हैं, कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है कंपनी के बीच में, इन सारे इंटरेस्ट के बीच में, जो कहीं ना कहीं ओवरऑल इंपैक्ट करता है कंपनी की स्मूथ फंक्शनिंग पे या कंपनी के ऑपरेशन पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें पाई जाती हैं, डीमेरिट्स हैं कंपनी की, आई एम श्योर कि ये सारी डीमेरिट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास, आई एम श्योर इन टुडेज क्लास यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपनी, इट्स फीचर्स, डीमेरिट्स एंड मेरिट्स। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलूंगा, टिल देन टेक केयर, बाय।